अज असी प्लास्टिक सर्जरी स्टार्ट की है सुपर स्पैशलिटी जिदी साडे इलाके दे विच रोपड़ डिस्ट्रिक्ट दे विच ऊना डिस्ट्रिक्ट दे विच बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट दे विच सोलन जिन्ने भी साडे नज़दीक डिस्ट्रिक्ट लगते हैं कितने भी नहीं इस करके असी पीजीआई तो डॉक्टर साहब साढ़े डॉक्टर अवनव लखियानी जी तो जिमें साढ़े को बड़ी प्रॉब्लम आती थी पेशेंट जिमें एक्सीडेंट की बहुत ज़्यादा कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता फिर वो पेशेंट रस्ते रह जाता से ब्लीडिंग होंगे होंगे डैथ हो जाती थी उदे करके जिमें किसी के सपोज एक्सीडेंट हो गया मूँह की इंजरी बहुत ज़्यादा है तो वास्ते पेशेंट फिर पीजीआई जाता से पहले वास्ते असं फिर उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि फैसिलिटी असी स्टार्ट की है प्लास्टिक सर्जरी बे जिमें किसी का कोई हथ कट जाता है उन्होंने भी एमरजेंसी जो पेशेंट लैके आता दो चार छः घंटे उत्तर लग जाते क्योंकि पीजे भी रश बहुत बच्चों टाइम लग जाता वो बहुत VIP पेशेंट है उन्होंने तो उत्तर ट्रीट हो जाता अदरवाइज पेशेंटा के खाली हाथ आना पैंता इस करके असी फैसिलिटी स्टार्ट की जिमें किसी का हाथ कट गया वो नाल दी नाल जोड़ना है तो किसी के फैक्ट्री कोई हो गया किसी के कोई शीशा लग गया कोई सुसाइड कर लैंदा बर्न केस हुंदा वो सारा डॉक्टर साहब के अंडर ही आता है किसी के कोई लत ठीक नहीं होंगी जख्म ठीक नहीं हुंदा फ्लैप लगना वो सारा कुछ डॉक्टर साहब ही करते हैं कोई हेयर ट्रांसप्लांट इन वास्ते छोटी चीज़ा वो सारा कुछ ही होंगे इन्होंने किसी के कोई ब्रेस छोटी करनी वड्डी करनी सारा डॉक्टर साहब का काम है और तो भी असी हमने स्टार्ट किया परमानेंट पहले वीकली सी हफ्ते दो बार से हम असी परमानेंट डॉक्टर साहब डेली होंगे तो नीरो भी नाल ही साडा कंबाइंड है तो ये बाकी साडे डॉक्टर अपने लखियानी जी जिन्होंने स्टार्ट शुरू करना है वो दसणगे तुहानूं की आपां कीती है मेडिकल यदा लाभ 100% ही मिलना जी क्योंकि ये जी चीज़ है नूरपुर में सब तो ज़्यादा लाभ मिलना क्योंकि जिन्ना नज़दीक है उन्ने वे बेनीफिट ज़्यादा होंगे जिन्ना किसी ने दूरों मान लो सपोज करो कोई पता कांगड़े तो आऊगा उन्होंने आने इतने 3 घंटे लगने हो सकता है किन्ना लॉस हो गया वह जिन्ना नज़दीक होएगा उन्होंने तो ज़्यादा लाभ मिलेगा जिन्ना दूर है उन्होंने घट लाभ मिलेगा लाभ सारे मिलेगा। हाँ मेरा नाम डॉक्टर अभिनव लिखियानी है मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ मेरे जो काम है कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा मतलब जटिल ट्रॉमा और साथ में री इम्प्लांटेशन मतलब दोबारा से हाथ कट गया या पैर कट गया उसको जोड़ना इसका कारण ये है कि भाई सबसे ज़्यादा जो इसमें होता है क्रिटिकल होता है टाइम कटने और इलाज के बीच में वो सिर्फ 6 घंटे का टाइम होता है 6 घंटे से ऊपर हो जाए तो जो कटा हुआ पार्ट है वो काम का नहीं रहता ठीक है तो मेरी सबसे दरख्वास्त यही है कि भाई जो भी हो आपके अब निकट आ गया है जो डिस्ट्रिक्ट ऊना हो गया बिलासपुर सोलन रोपड़ तो इनके जितने भी डिस्ट्रिक्ट में जो है कटे हुए तुरंत यहाँ पे आ जाए तो काम कर सकते हैं कटे हुए हाथ को लाने का जो तरीका है उसमें ये होता है कि उसको आप पानी से या किसी अच्छे साफ पानी से साफ़ कर लीजिए तो उसे एक थैली में डाल दीजिए और फिर उस थैली को एक बर्फ़ की एक और थैली में डाल दीजिए ताकि वो ठंडा रहे तो जितना वो ठंडा रहेगा उतना उसके ख़राब होने के चांसेस कम है और उसको आप तुरंत यहाँ लेके आ जाइए। उसके अलावा भी आपके जो जले हुए हैं जो तुरंत जल जाते हैं चाहे वो 50% से ज़्यादा भी हो तो भी उसको तुरंत लें तो भी हम कोशिश करेंगे वो बच जाए क्योंकि बर्न जो बर्न्स होता है जो जले हुए होते हैं उनमें भी टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस होती है अगर कोई ज़्यादा 24 घंटे से ज़्यादा हो जाता है तो उसके बचने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं इवन ये मान लीजिए 50% से कम हो जाते हैं और अगर वो 24 घंटे से पहले आ जाता है तो उसके बचने के चांसेस 50% से ज़्यादा बच हो जाते हैं ठीक है। उसके अलावा हमारे जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर है जिसके लिए चंडीगढ़ में लोग जाते हैं और महंगे महंगे इलाज कराते हैं जैसे आपका हो गया हेयर ट्रांसप्लांट जो कि इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है वो हम यहाँ पे सस्ते रेटों में करेंगे और हम ऐसा भी नहीं करेंगे कि पर ग्राफ्ट या एक एक बाल का अलग अलग रेट लेंगे हम एक बार में अनलिमिटेड करेंगे और एक सिटिंग में करेंगे जितना हो सकता है वो बात ठीक है। दूसरा हो गया एक और आजकल बीमारी चल रही है गायनेकोमेस्टिया जिसे कहते हैं मेल ब्रेस्ट यहाँ पर भी बैठे हुए काफ़ी लोगों को है और उसके बारे में लोगों को पता नहीं है और इसके लिए एक दिल्ली की कंपनी है क्रिस्टीन केयर जो आपने IPL में भी देखा होगा खूब ऐड चलाती है तो वो भी हम यहीं करेंगे गायनेकोमेस्टिया वो भी सस्ते दरों पे करेंगे इवन उसको कोशिश करेंगे ECHS और CGHS के अंडर भी करें ठीक है। सर उसके क्या सिम्टम रहती है और कैसे उसको ट्रीट किया जाएगा? उसका सिम्टम ये होता है कि जैसे आदमी होता है उसकी जो चेस्ट होती है वो फीमेल की तरह लगती है ठीक है उस चक्कर में वो टी शर्ट और अच्छे कपड़े नहीं पहन पाता हमेशा लूज से कपड़े पहनता है और आगे चल के आजकल सुना है कि जो 60 के बाद उनमें कैंसर के चांसेस बढ़ने लग गए हैं तो उस बीमारी का भी इलाज करना चाहिए और वो लोग
सारे दिल्ली जाके चंडीगढ़ जाके करवा रहे हैं ना, वो सारे ही वो डॉक्टर साहब के काम है। जितना खंडू है, किसी का मुंह में ताड़ू हुआ ख़राब होता है, किसी के कान नहीं है, कान नवा लगाना है, वो सब डॉक्टर साहब ने लगाना है। कहीं को बचपन से कान नहीं होता एक साइड में, वो सब डॉक्टर साहब ने बता देना भाई इतनी इससे पहले पहले ये होना है, वो इन्होंने करना है। जितनी प्लास्टिक सर्जरी में, ये सारे प्लास्टिक सर्जरी में, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता भाई ये किसका काम है। वो कई बार हड्डियों जैसे डॉक्टर साहब को लाए, जैसे किसी की उंगलियां हैं ऑपरेशन, उसके कोई चोट लगी है, वो उंगलियां उसकी ऐसी रहती हैं, वो सीधी करनी है, परमानेंट ठीक करनी है, वो डॉक्टर साहब का काम है। ये नी रिप्लेसमेंट डॉक्टर साहब औरतों वालों का काम है, लेकिन ये फिंगर मतलब करनी है रिप्लेसमेंट, तो डॉक्टर साहब का काम है। बड़े बड़े जो ब्रिकी वाले काम है सारे डॉक्टर साहब के हैं। जैसे कईयों के जैसे क्या बोलते हैं उनको, हिजड़े वगैरह बोलते हैं उनको, ये सारे सेक्सुअल वो सारा कुछ ही डॉक्टर साहब करते हैं। चाहे वो जैनल सर्जरी हो, चाहे ब्रेस्ट छोटी करनी है बड़ी करनी है, वो सारे डॉक्टर साहब करते हैं। सारे हिंजड़ों को जो होता है, हाँ, जेंडर रीअसाइनमेंट जैसे बोलते हैं, वो भी करते हैं, वो भी प्लास्टिक सर्जरी में ही आता है। ठीक है, आपका पेट का घटाना जैसे बोलते हैं, सिक्स पैक्स बनवाना, लाइपोसक्शन करना, वो भी प्लास्टिक सर्जरी में आता है। ठीक है, आपके बाल लगवाना, वो भी प्लास्टिक सर्जरी में आता है।